जय हिंद दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों अध्ययन करेंगे क्लास टेंथ में आपको पता है ना राज्य प्रकाशन से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम लोग जो है फोर पॉइंट द्विघात समीकरण दिन कर रहे हैं आपको पता है ना कि हम लोगों ने 4.1, 4.2, 4.3 को पॉइंट कंप्लीटली खत्म किया है आज हम लोग 4.4 को कम्प्लीटली खत्म करेंगे 4.4 में आपको बता दें कि हम लोग विवित समीकरण विवित जो फार्मूला है उसका प्रयोग करेंगे सबसे पहले विवितकर फार्मूला से आपको बताते हैं विवितकर फार्मूला क्या है तो देखो विवितकर का फार्मूला विवित एक चीज ध्यान रखना कभी भी जैसे मान लो मूलों की बात की जाए तो फॉर्मूला आएंगे विविध का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कभी भी मूलों की अगर बात की जाए कि मूल ज्ञात कीजिए मूलों की, की प्रगति मूलों की कुछ भी बात की जाए तो आप लोग विविध कर लगाओगे वहां पर क्या लगाओगे विविध कर लगाओगे एक चीज ध्यान रखना इसे मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि मूल बराबर है मूल बराबर है तो उस कंडीशन में आप लोग डी बराबर क्या लोगे जीरो डी का मतलब क्या हो गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो अगर कह दिया जाए कि मूल काल्पनिक है तो आप लोग कहोगे कि डी जो है ये छोटा है फिर जीरो से ठीक इसका मतलब है मान किसमें आना चाहिए माइनस में अगर कह दिया जाए मूल वास्तविक है मूल वास्तविक है इसका मतलब है जी डी जो है वो जीरो से अधिक है इसका मतलब है मान किस माना चाहिए प्लस में मान किस माना चाहिए प्लस में क्यों जीरो बड़ा है मतलब डी मतलब माइनस में है और डी बड़ा है जीरो छोटा है है इसका मतलब डी जो है प्लस में है क्योंकि तो अगर कोई जीरो अगर बड़ा हो रहा है इसका मतलब जीरो किससे बड़ा हो सकता है फिर माइनस वाले मान से बड़ा हो सकता है ठीक है इस प्रकार से लगाएंगे लोग ठीक है तो इस डी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कैसे ऐसे ध्यान रखना कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो और इसे लिख सकते हो ऐसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो जब भी मूलों की बात कही जाए तो हम लोग कर लगाते हैं जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था देखो एक्स स्क्वायर नहीं निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण का कर ज्ञात कीजिए देखो पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स ठीक और प्लस दो बराबर जीरो प्लस दो बराबर जीरो सबसे पहले आप लोग क्या करते भी उतकर, जब भी लगाओगे ना तो आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से आप लोग तुलना करोगे क्या करोगे तुलना तुलना में देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यक्स स्क्वायर गुणांकन है एक तो ए बराबर एक एक से एक सेक्स तुलना करो बी बराबर आपके पास क्या है माइनस चार तो बी बराबर माइनस चार सी बराबर आपके पास क्या है दो आप विभिदकर लगा दो विभिदकर लगा दोगे तो विभित कर का फार्मूला आप लोग जानते हो ना ये फार्मूला है तो डी बराबर बी स्क्वायर तो बी की जगह आप लोग माइनस चार तो माइनस चार का स्क्वायर e माइनस चार इंटू ए का मान आपके पास है एक और सी का मान है आपके पास दो तो आप लोग कहोगे माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है तो चार चौक सोलह चार दो आठ तो ये हो गया घटकर आठ तो ये हो गया डी बराबर आठ यही आंसर हो गया अब एक चीज देखो जरा डी प्लस में है कि माइनस में तो आप लोग कहोगे डी प्लस में अगर मूल की बात की जाए तो मूल वास्तविक है क्योंकि प्लस में है तो मूल वास्तविक है इसी प्रकार दूसरा तो आप लोग लगा लोगे तीसरा लगा लोगे इसके चौथा देखो चौथा में अंडर रूट है तो चौथा आप लोग पक्का पूछोगे तो चौथा देखो चौथा में है अंडर रूट तीन एक्स स्क्वायर अंडर रूट तीन स्क्वायर फिर माइनस दो अंडर रूट दो यक्स माइनस दो अंडर रूट दो यक्स क्लियर और माइनस दो अंडर रूट तीन बराबर जीरो माइनस दो अंडर रूट तीन बराबर जीरो आप लोग क्या करोगे जब इस समीकरण से तुलना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक अंडर रूट तीन बी मतलब माइनस दो अंडर रूट दो ये माइनस है ना माइनस दो अंडर रूट दो और सी भी आपके पास माइनस दो अंडर रूट तीन विवित लगा दोगे तो डी बराबर डी बराबर अच्छा डी बराबर आप लोग फॉर्मूला क्या लगा दोगे डी बराबर लगा दोगे आप लोग वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो देखो यहाँ पर लगा दोगे डी बराबर बी स्क्वायर तो माइनस दो अंडर रूट दो का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी अब समझना तो डी बराबर दो का वर्ग है चार अंडर रूट दो का वर्ग होता है दो माइनस का हो गया प्लस ये माइनस ये माइनस ये हो गया प्लस चार दूनी आठ इंटू अंडर रूट तीन अंडर रूट तीन तो ये गुणा हो गया तीन तो यह हो जाएगा सोलह प्लस चौबीस अर्थात आप लोग कहोगे ये दस ये हो गया तीस चालीस तो ये हो गया चालीस तो ये हम लोगों ने विभिन्त कर ज्ञात कर लिया अगर बाईचांस मूल की बात कही जाए तो मूल वास्तविक काल्पनिक तो मूल वास्तविक है क्योंकि मान प्लस में है तो मूल वास्तविक है इसका देखो आप लोग पांचवा पार्ट भी कर लोगे छठा पार्ट देखो छठा पार्ट में पी क्यू है सातवा कर लोगे आठवा भी आप लोग देखना देखो छठा देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू क्यू पी एक्स प्लस टू क्यू बराबर जीरो बराबर जीरो देखो जब तुलना करोगे तो इसके गुणांक में एक है तो ए बराबर कहोगे एक बी बराबर कहोगे पी और सी बराबर आप लोग कहोगे टू क्यू क्लियर यहां पर देखो यहां पर डी बराबर अब d बराबर आप लोग फार्मूला क्या लगा दोगे d बराबर फार्मूला लगा दोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब भी विवित कर की बात कही जाए तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए ही लगाते हैं हम लोग हाँ तो ये हो जाएगा हमारे पास d बराबर बी स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो ये हो जाएगा d बराबर पी स्क्वायर माइनस चार दोनी नहीं आठ क्यू ठीक तो ये बस ये विवितकर हो गया इसका इतना ही है विवित कर क्योंकि तो मान तो किसी का ज्ञात करना है नहीं कौन सा था क्वेश्चन छः अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग सात सात में तो आप लोग कर दोगे सात को तो उड़ा दोगे एकदम से वो लोग आठ आठ को देखो आठ में क्या है क्वेश्चन नंबर आठ को देखो आठ में है कि एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस के बराबर जीरो ठीक एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस हां तो यहां पर आप लोग तुलना जब करोगे तो ए बराबर आपके पास ए है बी बराबर माइनस दो है और सी बराबर आप लोग के है कर लगा तो माइनस दो का स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो डी बराबर हो जाएगा दो का वर्ग चार माइनस चार के बस अगर के का मान पूछा था तो अलग बात मान तो पूछा नहीं गया तो इसको आप लोग आंसर में रख लो क्लियर है क्वेश्चन नंबर आठ भी क्वेश्चन नंबर नौ को देखो द्विघा निम, निम्न निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए अब देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए मूलों की प्रकृति की का मतलब मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है ये आप लोग ज्ञात करोगे जब भी मूल की बात कही जाए ना आप लोग हमेशा विवित कर लगाओगे हमेशा क्या लगाओगे विवित कर तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या है दो एक्स का, का पहला दो, माइनस, ए, दो माइनस तीन एक्स प्लस पांच बराबर जीरो अब देखो सबसे पहले हमारे पास तुलना करेंगे तो ए बराबर हमारे पास क्या है दो बी बराबर माइनस तीन सी बराबर पांच विवित कर लगाते हम लोग डी बराबर है ना डी बराबर तो डी बराबर बी स्क्वायर तो माइनस तीन का स्क्वायर माइनस चार ए सी ठीक तो डी बराबर तीन का वर्ग नौ माइनस चार दूनी आठ आड, आठ पंच चालीस तो डी बराबर आपके पास क्या जाएगा ये घटाओगे तो माइनस इकतीस तो क्या गया आ गया यहां पर माइनस आ गया माइनस का मतलब आप लोग जानते हो माइनस का मतलब मूल वास्तविक काल्पनिक तो आप लोग कहोगे मूल वास्तविक नहीं है वास्तविक नहीं है अर्थात तो फिर क्या है तो फिर मूल काल्पनिक है और काल्पनिक मूलों का कोई इन्होंने क्या अस्तित्व है तो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें याद कीजिए तो वास्तविक मूल का अस्तित्व तो है नहीं वास्तविक मूल्यों का अस्तित्व नहीं है काल्पनिक मूल है इसलिए इसको ज्ञात नहीं करेंगे देखो नौमे का सेकेंड पार्ट देखो समझ में आए जिससे नौमे का सेकेंड पार्ट देखो आ, तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार रूट तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार रूट थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बराबर जीरो ठीक बराबर जीरो हाँ तो इन्हें देखो सबसे पहले जब तो तुलना करोगे तो आप लोगों को तुलना के दौरान ए बराबर लिखोगे तीन बी बराबर माइनस चार अंडर रूट तीन सी बराबर आप लोग लिखोगे चार सी बराबर लिखोगे चार अब देखो यहां पर विवित कर जब लगाओगे है ना तो डी बराबर बी स्क्वायर तो डी बराबर बी स्क्वायर बी की जगह हमारे पास क्या है बी के जगह हमारे पास देखो तो बी के जगह हमारे पास क्या है बी के जगह हमारे पास है चार अंडर रूट तीन हाँ तो डी बराबर माइनस चार अंडर रूट तीन का वर्ग माइनस चार इंटू ए ए की जगह हमारे पास तीन है और सी सी की जगह हमारे पास चार है तो डी बराबर चार का वर्ग सोलह अंडर रूट तीन का वर्ग तीन माइनस चार चौको सोलह और अंडर ये तीन तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल तो डी बराबर हमारे पास क्या है जीरो तो हम लोग कहेंगे d बराबर जीरो जो है तो मूल क्या है मूल क्या है समझना अगर आपके पास माइनस आ जाए तो मूल काल्पनिक है वास्तविक नहीं है और अगर प्लस आ जाए तो वास्तविक है अगर बराबर आ जाए तो मूल बराबर है तो हम लोग कहेंगे मूल बराबर है मूल बराबर है अब जब इसमें मूल बराबर हो तो उसमें आप लोग मूलों को ज्ञात करोगे यही तो इन्होंने कहा था मूलों के प्रकृति मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए तो मूलों का अस्तित्व है क्योंकि मूल बराबर है तो इन्होंने कैसे ज्ञात करोगे इन्हें लिखोगे आप लोग सिंपल तरीके से पीछे एक्सरसाइज में जो हम लोग गुणनखंड करते थे वही गुणनखंड करेंगे हम लोग तो ये लिखेंगे हम लोग तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार अंडर रूट तीन एक्स प्लस चार बराबर जीरो चार या बारह का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ते ही और घटाते ही आपके पास चार अंडर तीन आ जाए तो इसको तो अंडर रूट वाले को हम लोग दो बार अंडर रूट लिखते ही है, आपको पता है ना अभी यहां पर दो लिखो यहाँ पर दो लिखो क्यों दो दुनी चार दो दुनी चार और चारिया बारह दोनों के बीच में प्लस तभी जोड़ के चार अंडर रोड आ गए तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा दो अंडर आपके पास अंडर रूट तीन एक्स हो गया कॉमन तो बचा यक्स माइनस दो, दो एक्स माइनस दो ठीक ना अंडर रूट तीन एक्स माइनस दो और ये हो गया माइनस आपके पास यहां पर दो कॉमन तो ये हो जाएगा अंडर रूट तीन माइनस दो बराबर जीरो दोनों में सेम सेम माने तो हम लोग कहेंगे अंडर रूट तीन एक्स माइनस दो का होली स्क्वायर बराबर जीरो तो ये आपके पास हो जाएगा दो बटे अंडर रूट तीन वही दो ही बार तो प्लस माइनस में कर लो तो यह हो जाएगा आपके पास मूल ठीक यही तो इन्होंने ज्ञात करने के लिए कहा था जिसमें मूल वास्तविक हो मूल बराबर हो उसमें हम लोग मूलों को ज्ञात कर सकते हैं ठीक उसमें मूलों को ज्ञात कर सकते हैं तो इसमें ये वर्ग होने के कारण हम लोगों ने प्लस माइनस लिखा आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ठीक से यक्स बराबर दो अंडर दो बटे अंडर रूट तीन दो बटे अंडर रूट तीन ऐसे भी कर सकते हो ठीक तो इतने का शॉर्ट कर लो अगर कर करना चाहो तो दो क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर दस नहीं नौ का तीसरा देखो नौ का तीसरा नौ के तीसरे में है दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस तीन दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस तीन बराबर जीरो अब लोग सबसे पहले अब लोग क्या करते हैं हम लोग तुलना करते हैं तुलना किससे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना यह द्विघात समीकरण है इस द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं हम लोग क्लियर सबसे पहले हमारे पास जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा ए बराबर दो और बी बराबर माइनस छ और सी बराबर तीन ठीक क्लियर देख लो एक बार अब डी बराबर फार्मूला क्या होता तो है विवित कर का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए तो यहां पर आप लोग कहोगे कि डी बराबर बी स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर माइनस चार इंटू ए का मन दो और सी का मन तीन तो डी बराबर ये हो गया छत्तीस माइनस चार दो आठ तरीका चौबीस तो हम लोग कहोगे डी बराबर ये घटा दोगे तो कितना बचेगा अठारह आठ ठीक अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास आठ आ गया तो हम लोग कहेंगे मूल वास्तविक काल्पनिक तो हम लोग कहेंगे मूल जो है ना ये वास्तविक है क्योंकि प्लस में है ये वास्तविक है अर्थात इसके मूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं तो इसका गुणनखंड करो दो एक को दो स्क्वायर लिखो ठीक छ दो तीन छः तो गुणनखंड करना संभव नहीं है तो फिर हम लोग देख पा रहे जब भी गुणनखंड नहीं कर पाते हैं तो हमेशा श्री धराचार्य जी का सहारा लेते हैं श्री धराचार्य जी महाराज जी ने क्या किया कि हम लोगों को गुणनखंड करने का आसान तरीका बता के गया वो कैसे बता के गए वो तो श्रीधराचार का जो फार्मूला है ये हम लोग लगा देंगे यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे दो ए ये लगा देंगे तो यक्स बराबर माइनस बी तो माइनस ऑलरेडी है तो छ प्लस माइनस अंडर रूट में छ का वर्ग छत्तीस माइनस फोर ए सी चार दुनिया आठ तरीका चौबीस तो ये हो जाएगा चौबीस बटे दो इंटू ए कम दो तो ये छ प्लस माइनस अंडर रूट में ये घटकर आपके पास बचेगा आठ बटे दो दुनी चार तो बराबर ये हो जाएगा छः प्लस माइनस ये हो जाएगा दो अंडर रूट दो आठ का बर्ग निकालो दो अंडर रूट दो बटे चार दो ले लो कॉमन तो यक्स बराबर जब दो आठ को तो निकाल लोगे आप लोग दो दुनी चार देखो तो इसे आठ का एल्शियम ले लो दो जो को अड़ दो चार दो एक कम दो जिसका जोड़ा बन जाए वो बाहर और जिसका जोड़ा ना बन बन, बन पाए वो अंदर दो ले लो कॉमन तो बच्चा तीन प्लस माइनस अंडर रूट दो बटे चार काटो इसको दो दूनी चार तो यक्स बराबर तीन प्लस माइनस अंडर रूट दो बटे दो बस यही इसके मूल हो गए हैं एक प्लस में और एक माइनस में अलग अलग भी कर सकते हो तीन प्लस दो अंडर दो बटे दो तीन माइनस अंडर हो दो दो, और चाहे एक साथ लिख दो है ना अब देखो क्वेश्चन दस। दस दो मूल बराबर हो जब भी मूल बराबर हो तो जीरो लेते हैं देखो आपके पास पहला दसवे का पहला दसवे का पहला है कि दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस तीन बराबर जीरो मूल बराबर है आप लोग के का मान ज्ञात कीजिए तो आप लोग तुलना जब करोगे ना तो ए बराबर आपको मिलेगा ए बराबर दो बी बराबर के और सी बराबर तीन विवित कर लगा दोगे ना विवित कर बराबर जब लोग कर डी बराबर आप लोग जीरो लोगे आपकी बार तो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर का मान के स्क्वायर माइनस चार ए सी बराबर जीरो चार दूनिया आठ तरीके चौबीस कर दो तो के स्क्वायर बराबर चौबीस तो k बराबर स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट चढ़ाओगे अंडर रूट को निकालने का तरीका आपको पता है ना 24 का एलसीएम ले लो 24 का एलसीएम दो बारह चौबीस दो छिंग बारह बस यही तो दो अंडर रूट क्योंकि तो इसको तो आप आगे बना नहीं सकते हम लोग तो के बराबर दो अंडर रूट तो के का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है के का मान हमारे पास दो अंडर रूट छो दसवें का दूसरा दसवें का दूसरा क्या है दसमें का दूसरा है के एक्स के एक्स एक्स माइनस दो के एक्स एक्स माइनस दो प्लस बराबर जीरो प्लस बराबर जीरो अंदर गुना करोगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस दो के एक्स प्लस बराबर जीरो तुलना करोगे तो ए बराबर के बी बराबर माइनस दो के और सी बराबर छ मूल बराबर है तो लगा दोगे बराबर जीरो लोगे तो बी स्क्वायर तो माइनस दो के का स्क्वायर माइनस चार इंटू ए ए का मान है के और सी का सी uh, का वन छ तो जीरो तो दो दूनी चार के स्क्वायर माइनस छ जो को चौबीस के बराबर जीरो दोनों में आप लोग चार के ले लो कॉमन तो ये हो जाएगा के माइनस छ बराबर जीरो एक बार चार के बराबर जीरो लोगे तो के बराबर जीरो आ जाएगा एक बार के माइनस छ बराबर जीरो लोगे तो के बराबर आपके पास हो जाएगा छः तो k के दो मान है हमारे पास एक तो k के लिए जीरो भी है हमारे पास और एक k का मान हमारे पास छह भी है क्लियर है अब देखो क्वेश्चन नंबर अब लोगों ने कौन सा हल किया है दसवें का दूसरा ठीक अब देखो ग्यारहवा ग्यारहवा नंबर देखो जरा ग्यारवा नंबर में है निम्नलिखित द्विघा समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करना बीत का लगा देना और ज्ञात कर लेना आप लोग तो इसका कौन सा बता दे देखो दस हम लोग बता रहे हैं आपको ग्यारहवा लगा लोगे बारहवा लगा लोगे तेरह चौदह पंद्रह सोलह बताते हैं सोलह अंडरवुड हैं बाकी सब लगा ही लोगे अगर सोलह हम बता देंगे तो बाकी सब अब लगा ही लोगे आप लोग कि ग्यारह बता दें चलो पहले ग्यारह बताते हैं फिर सोलह बताते हैं ठीक है जिससे तो आपको समझ में आ जाए पहले हमने आपको बताते हैं ग्यारह सेम सवाल है इसलिए ग्यारह में है दो एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स दो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस पांच बराबर जीरो मूल की बात कही गई है इसमें तो हम लोग विविधकर लगा देंगे तो ए बराबर दो बी बराबर पांच और सी बराबर आपके पास पांच ठीक और देखो यहाँ पर विविधकर जब लगाओगे तो डी बराबर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर मतलब पांच का स्क्वायर माइनस चार ए सी ठीक तो यह जाएगा पाँचों को पचम पच्चीस पांचों को बीस बीस दूरी चालीस तो डी बराबर जब घटाओगे तो माइनस पंद्रह बचेगा अब यहां पर जो माइनस यही तो है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तो मूलों की प्रकृति आप लोग ज्ञात करोगे तो मूल वास्तविक काल्पनिक है तो देख पा रहे हो कि यहाँ पर माइनस में है तो आप लोग कहोगे कि मूल जो है ये काल्पनिक है मूल जो है क्या है ये काल्पनिक है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ऐसे प्लस आ जाए तो वास्तविक माइनस आ जाए तो काल्पनिक बस यही करना आपको तो इसे बारह नंबर भी करोगे तेरह नंबर भी करोगे चौदह नंबर भी करोगे पंद्रह नंबर भी करोगे सोलह नंबर हम बताते हैं दो सोलह नंबर सोलह नंबर में है कि एक्स स्क्वायर प्लस दो अंडर रूट यक्स यक्स स्क्वायर प्लस दो अंडर रूट तीन यक्स ठीक माइनस एक बराबर जीरो अंडर रूट है इसलिए बता रहे इसको ए बराबर हमारे पास इसका गुणांक क्या है एक बी बराबर दो अंडर रूट तीन और सी बराबर माइनस एक विविध लगा दोगे तो डी बराबर स्क्वायर तो दो अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस चार ए सी तो डी बराबर दो का वर्ग चार अंडर रूट तीन का वर्ग तीन माइनस माइनस प्लस चार एकम चार D तो बराबर थी या बारह प्लस चार तो D बराबर आप लोग कहोगे कि सोलह अब बताओ सोलह जो है ये आपके पास प्लस में है सवाल नंबर सोलह का आंसर भी सोलह ये प्लस में है कि माइनस में है अब बताओ ये ये प्लस में है कि माइनस में है तो हम लोग कहेंगे ये प्लस में है मूल वास्तविक काल्पनिक है तो मूल वास्तविक है मूल समान है कि असमान है तो मूल असमान है हमारे पास जीरो तो नहीं आया है अगर जीरो आ जाए तो हम लोग कहेंगे मूल वास्तविक है समान है मूल जीरो ना आए तो हम लोग कहेंगे मूल वास्तविक है तो असमान है तो यहां पर हमारे पास क्या है हम लोग कहेंगे वास्तविक तथा असमान तो मूल वास्तविक है तथा असमान है ठीक है मूल वास्तविक तथा क्या है आसमान प्लस आने पर आप लोग क्या कहोगे प्लस आने पर आप लोग क्या कहोगे वास्तविक माइनस आने पर काल्पनिक जीरो आने पर बराबर एक काम करते हैं सवाल नंबर चौदह को थोड़ा सा आप लोग देख लो ठीक है कहीं ऐसा ना हो चौदह आपको डाउट रह जाए चौदह को बताते हैं आपको जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए चौदह नंबर में है एकक्वायर माइनस चार एक्स एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक चार बराबर जीरो ठीक प्लस चार बराबर जीरो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे इसमें तो डी बराबर बी स्क्वायर तो माइनस चार का स्क्वायर माइनस चार ए सी तो डी बराबर चार चो को सोलह और चार चो को सोलह तो ये कट कर आ गया जीरो अब एक चीज ध्यान रखना कि ये आ गया हमारे पास जीरो तो हम लोग कहेंगे डी बराबर क्या आ गया जीरो अब यहां पर आप लोग क्या कहोगे यहां पर आप लोग कहोगे वास्तविक तथा समान मतलब अगर प्लस में मान आ जाए तो वास्तविक तथा असमान कहोगे अगर जीरो आ जाए तो वास्तविक तथा समान कहोगे अब माइनस में मा आ जाए तो काल्पनिक कहोगे अब तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अब तो क्लियर है अब आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट टेक स्क्रीनशॉट सवाल नंबर सत्रह को देखो दो एक्स बटे एक्स माइनस तीन दो एक्स बटे यक्स माइनस तीन प्लस एक बटे दो एक्स प्लस तीन एक बटे दो एक्स प्लस तीन प्लस तीन एक्स माइनस नौ प्लस नौ तीन एक्स प्लस नौ बटे एक्स माइनस तीन दो एक्स प्लस तीन एक्स माइनस तीन दो एक्स प्लस तीन बराबर जीरो और यक्स से तीन का माइनस तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसे हल कीजिए मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करो और इसे हल करो सबसे पहले तो इसका एलसीएम क्या है इन सबका जो एलसीएम है वो हमारे पास x माइनस तीन और दो यक्स प्लस तीन है इसमें तो दो एक्स प्लस तीन की कमी है तो ऊपर हम लोग गुणा करेंगे दो एक्स प्लस तीन प्लस इसमें दो एक्स प्लस तीन है एक्स माइनस तीन की कमी है तो इसमें गुणा करेंगे एक्स माइनस तीन और इसमें तो परफेक्ट है तो लिखेंगे तीन एक्स प्लस नौ ये हम लोग पीछे हल भी कर चुके हैं ये तो आपको पता है एक्स माइनस तीन और दो एक्स प्लस तीन इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो ठीक इट नॉट इक्वल्स टू जीरो इसका अंदर गुणा करोगे तो यह चार एक्स स्क्वायर इसका गुणा करो तो प्लस छक्स चार एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस एक्स माइनस तीन प्लस तीन एक्स प्लस नौ बराबर जीरो चार एक्स स्क्वायर का तो चार एक्स स्क्वायर लिखो छः सात तीन दस इसे हम लोग पीछे हल कर चुके हैं पीछे एक्सरसाइज में फोर पॉइंट थ्री में सात दस और ये घटाओगे तो प्लस छ बराबर जीरो इसमें आपके पास दो जो है ये हो गया कॉमन जब दो कॉमन लोगे तो दो एक्स स्क्वायर और प्लस दो पंचे दस और प्लस दो तीया छ बराबर जीरो अब इन्होंने कहा मूलों की प्रकृति याद कीजिए तो आप लोग पता है कि ए बराबर आपके पास क्या है दो बी बराबर पांच और सी बराबर तीन कर लगा दोगे तो d बराबर बी स्क्वायर पांच का स्क्वायर पच्चीस माइनस फोर ए सी तो ये हो जाएगा पच्चीस माइनस चार चार तिया दुनिया आठ चौबीस तो d बराबर आपके पास एक अब एक जो है प्लस है कि माइनस है तो आप लोग कहोगे प्लस है मूल वास्तविक काल्पनिक है तो आप लोग कहोगे वास्तविक है समान है कि असमान है तो आप लोग कहोगे असमान क्योंकि जीरो नहीं है तो मूल वास्तविक था असमान क्लियर क्वेश्चन नंबर सत्रह अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे गया अठारह अठारह में क्या है अठारह में है मूल प्रकृति से हल कीजिए हल तो कर दिया हम लोगों ने अठारह में क्या है अगर इसका गुणनखंड करना चाहते तो गुणनखंड हम लोग पीछे कर चुके हैं फोर पॉइंट थ्री में अठारह में है कि के के मान ज्ञात करो मूल वास्तविक और समान है वास्तविक भी है और समान भी है मतलब जीरो लोग है देखो अठारह नंबर 18 नंबर में है मूल वास्तविक है और समान है तो आप लोग पहला चार एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स चार एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस नौ बराबर जीरो तो ए बराबर चार बी बराबर के और सी बराबर नौ विवित कर लगा दो विवित कर लगा दोगे तो बी स्क्वायर तो के का स्क्वायर माइनस चार इंटू ए का मान चार है और सी का मान नौ है बराबर जीरो क्योंकि मूल वास्तविक समान है इनको उधर पर पक्षांतर कर दो तो के स्क्वायर बराबर चार इंटू चार इंटू नौ तो इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो के बराबर अंडर रूट चार का स्क्वायर इंटू तीन का स्क्वायर तो ये हो जाएगा चार इंटू तीन अर्थात के बराबर चार या बारह बस यही आंसर ठीक अब तो कर लोगे ना आप लोग ये उन्नीस नंबर भी कर लोगे बीस नंबर भी कर लोगे इक्कीस नंबर को देखो के के मान ज्ञात कीजिए मूल वास्तविक व असमान मूल हो तो यक्स स्क्वायर देखो इक्कीस नंबर इक्कीस नंबर में है के, के मान ज्ञात करो जिनके द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस यक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस के नहीं माइनस चार एक्स प्लस के माइनस चार एक्स प्लस के बराबर जीरो इनका कहना है कि मूल वास्तविक व वा असमान मूल हो वास्तविक व वा असमान मूल हो मतलब मूल आपके वा पास वास्तविक है वा असमान है इसका मतलब हम लोग बराबर जीरो तो लेंगे क्योंकि के का मान यद करना है लेकिन इनका कहना है कि वास्तविक व वा असमान है तो इसके लिए सबसे सब पहले देख लो आप लोग बीस नंबर है हम्म इक्कीस नंबर अब इक्कीस नंबर में हम लोग क्या करेंगे बराबर हमारे पास क्या है एक बी बराबर माइनस चार सी बराबर के समझना आप लोग जब हमारे पास वास्तविक और असमान हो तो हम लोग जानते हैं वास्तविक व वा असमान हो तो उस कंडीशन में जो डी है इस ग्रेटर देन जीरो होता है डी का मान प्लस होना चाहिए तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो बी का जगह हमारे पास है माइनस चार का वर्ग ठीक माइनस चार का वर्ग और माइनस चार इंटू ए का ए की जगह हमारे पास एक है और सी की जगह हमारे पास के इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है अब चार का वर्ग सोलह और माइनस चार के इज ग्रेटर देन जीरो इसे इधर पछांतर करके इसे पच्छातर करके ले जाओ ठीक तो यह जगह सोलह इज ग्रेटर देन चार के तो चार चोको सोलह तो आप लोग कहोगे कि के इज लेस देन चार चार की तरफ ही मुंह खोलो क्योंकि मुंह तो चार की तरफ खुला है चाहे चार इज ग्रेटर देन के लिखो चाहे के इज लेस देन चार लिखो क्योंकि है तो के चार सही छोटा तो ये हमारे पास इस प्रकार से आंसर है अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर बाईस बाईस में क्या है बाईस का मतलब आखिरी कि प्रदर्शित करो कि ए के प्रत्येक वास्तविक मान के समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस चार बराबर जीरो के लिए वास्तविक व वा असमान मूल होंगे देखो सवाल नंबर बाईस में है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस चार बराबर जीरो माइनस चार बराबर जीरो इनका कहना है कि के लिए, को को के लिए वास्तविक मूल असमान होंगे वास्तविक व मूल असमान होंगे आपको प्रदर्शित करना है देखो सबसे पहले हमारे पास वास्तविक असमान के लिए वास्तविक व आसमान के लिए हम लोग d इज ग्रेटर देन जीरो तो हमारे पास a बराबर हमारे पास क्या है एक है b बराबर a है और c बराबर माइनस चार है फॉर्मूला हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो इसकी जगह लिखोगे ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो तो ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस प्लस चार चो को सोलह इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है अब इनका कहना क्या है कि प्रदर्शित करो कि ए के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस चार के लिए मूल वास्तविक व वा मूल असमान होंगे अब यहां पर ए का वास्तविक मान ए बराबर कुछ भी ले लो ए बराबर कुछ भी ले लो वास्तविक मान कुछ भी ले लो सभी के लिए मूल असमान ही होंगे मूल वास्तविक और असमान होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं जैसे मान लो कि ए बराबर आप लोगों ने एक ले लिया यही एक ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस सोलह इज ग्रेटर देन जीरो तो सत्रह इज ग्रेटर देन जीरो तब भी देखो मूल हमारे पास क्या है वास्तविक और असमान है ठीक तो हम लोगों ने आज जो है फोर पॉइंट फोर को कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे फोर पॉइंट फाइव में ठीक फोर पॉइंट फाइव जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है उसमें ठीक है बोर्ड में लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन भी है उसमें तो मिलते हैं में दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आप लोगों को जो भी क्वेश्चन डिले कर दिया हमने उसमें कोई भी डाउट रहे कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर करके बता दीजिए हम आपके कमेंट को हर कर, कमेंट को पढ़कर उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं ठीक है तो बस इतना ही आज की वीडियो में है स्क्रीनशॉट